आज तो पूरा चैप्टर रिवाइज करके ही छोड़ूंगा। अबे ये यार, ये कहाँ से आ गया इसमें? इनकी वीडियो क्यों शो कर रही है मुझे? सपोज यू आर स्टडिंग एंड तुम्हारे सामने कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस आती है जिसमें लिखा होता है इस मास्टरबेशन हेल्थी हेल्थी। यार तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, पर मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखो यार, ऐसी ऐसी चीज़ें, यार देखो वो बिजनेस चला रहे हैं अपना तुम्हें ऐसे बोल कर, ताकि तुम जाकर दवाइयाँ खरीदो इन चीज़ों की, जो तुम एडिक्शन लग चुके हैं ना, तुम्हें एडिक्शन लग चुका है, उन चीज़ों से तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे भाई। सही में ये जवानी है, ये बार बार नहीं आएगी। ये देखो अब ये औरत क्या कह रही है यहाँ पर। एक स्टडी है जो काफ़ी कोट करी जाती है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, कोई अटरम पटरम जगह नहीं हुई है। उसमें ये बताया गया था कि जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30-40% कम हो जाता है। आई जस्ट वांट टू आस्क टू दिस आंटी कि अगर आपकी औलाद ये चीज कर रही है तो क्या आप उनको भी ये शिक्षा दोगी, उनको भी ये शिक्षा देगी कि तुम 21 बार करो महीने में, इससे तुम्हारे पास कोई भी खतरा नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी और ऐसे ही ना जाने कितने बड़े बड़े यार लेजेंड्स हैं जिन्होंने ब्रह्मचार्य को अपनाया, जिन्होंने उम्र भर कई सालों तक ये चीज़ें नहीं की और उसका परिणाम हमें देखने को मिला कि वो एक महान शख्सियत बने। और यार देखो, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, कोई कुछ भी कुछ कहे बिल्कुल भी नहीं। आजकल जैसे मॉडर्न इतना जमाना हो चुका है कि इस चीज़ को नॉर्मल बना के रखे भाई, बिल्कुल नॉर्मल बना के रखे, पर ये चीज़ें नॉर्मल है नहीं। मैं सही बताऊँ यार, देखो ये मोबाइल एडिक्शन जब से हमें लगा है ना, तब से ही ये चीज़ें चालू हुई है, वरना पहले लोग सारी उम्र भर आराम से रहते थे और बिल्कुल भी ये काम नहीं करते थे, उनके दिमाग में भी नहीं आता था ये बात। पर यार अब देखो, अब कितनी सिचुएशन बदल चुकी है, सिर्फ कुछ देख लिया गलत बस लग गए। पर यार देखो, ये जवानी दोबारा नहीं आएगी मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इन चीज़ों से बचो। ये जो इन लड़कियों ने चैनल चला रखा है ना, ये चैनल चला रखा है, ये किसी दिन बर्बाद कर देगा पूरे इंडिया को। वैसे ऑलरेडी इंडिया बर्बाद हो चुका है मेरे भाई, ऑलरेडी इंडिया बर्बाद हो चुका है, क्योंकि मोर देन 90% पॉपुलेशन इन चीज़ों में घुसी हुई है, हर कोई एडिक्ट है हर कोई। और जो लोग बचे हुए हैं ना, वो है बड़े बड़े लोग, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं। बड़े लोग जो बचे हुए हैं ना, वो इस दुनिया को कब्जाएंगे, वो इस इंडिया को कब्जा रहे हैं। मोदी योगी सारे ब्रह्मचारी है भाई, तो इन चीज़ों से बचो।